आज हम इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम टू पोल्स कंडक्टर देखेंगे। तो टू पोल्स कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है। तो उससे पहले हम ये जान लें कि मैकेनिकल एंगल या मैकेनिकल डिग्री कितना होता है। तो हमेशा मैकेनिकल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री रहता है, मीन्स वन रिवॉल्यूशन ऑफ कंडक्टर। तो मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल एंगल हमेशा 360 डिग्री रहेगा। अब हम इलेक्ट्रिकल एंगल के बारे में बात करेंगे। अब हम कंसीडर करेंगे टू पोल्स कंडक्टर। ये कंडक्टर है ए बी सी डी। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ए के ऊपर जो कंडक्टर है यहाँ पे ईएमएफ जीरो होगा। अब ए से बी की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, तो ईएमएफ भी मैक्सिमम रहेगा। बी टू सी के ऊपर आएगा तो यहाँ पे सी के ऊपर ईएमएफ जीरो होगा, और डी के ऊपर आएगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। जब उसका हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो उसका वेवफॉर्म इस तरीके से आएगा ए बी सी डी ए। मीन्स कितना साइकिल हुआ, 0 पाई 2 पाई, मीन्स 360 डिग्री। तो इलेक्ट्रिकल कितना हुआ, इलेक्ट्रिकल एंगल डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये हुआ 360 डिग्री। अब हम फोर पोल्स कंडक्टर के बारे में बात करेंगे कि जब फोर पोल्स कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होगा। ये फोर पोल्स है, कंडक्टर है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए के ऊपर आप जब देखेंगे तो ए के ऊपर ईएमएफ जीरो होगा, फ्लक्स जीरो, तो ईएमएफ भी जीरो होगा। जब ए टू बी की तरफ आएगा तो यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा। बी टू सी के ऊपर आएगा तो ईएमएफ जीरो होगा। सी टू डी के ऊपर आएंगे तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ई पे जीरो, फिर एफ पे मैक्सिमम, जी पे जीरो, एच पे मैक्सिमम। तो जब उसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो उसका वेवफॉर्म ऐसा आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। तो यहाँ पे 2 बार साइकिल ड्रॉ हुई है, ईएमएफ ईएमएफ साइकिल 2 बार ड्रॉ हुई है। तो मैकेनिकल रोटेशन कितना हुआ, 360 डिग्री, लेकिन इलेक्ट्रिकल रोटेशन कितना हुआ, 720 डिग्री, मीन्स 2 टाइम ये 2 बार हुआ है। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फोर पोल्स कंडक्टर के अंदर और टू पोल्स कंडक्टर के अंदर। अब उसके फॉर्मूला क्या होगी कि थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल, ये उसकी फॉर्मूला है। तो फोर पोल कंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो पोल्स कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मैकेनिकल रोटेशन 360, तो ये हो जाएगा 720 डिग्री, मीन्स थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल। मीन्स मैकेनिकल एंगल के अंदर 360 डिग्री ये फिक्स रहेगा, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन इलेक्ट्रिकल एंगल के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पी बाई टू इंटू
थीटा मैकेनिकल। पोल्स चेंज भी हो सकते हैं 6, 8। अगर 2 की बात करेंगे तो पी बाई 2 इंटू 360, विच इज़ इक्वल टू 2 बाई 2 इंटू 360। सो 2 पोल्स के लिए हो जाएगा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल।